पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। राहुल गांधी ने खुद इस विरोध प्रदर्शन की कमान संभाली। देश के कई राज्यों में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे, वहीं यूपी के भी लगभग हर जिले में बंद का असर देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ती कीमतों से मचा कोहराम, सरकार के खिलाफ सड़क पर संग्राम, तेल ने निकाला जनता का तेल, भारत बंद बिगाड़ेगा सियासी खेल। हर रोज बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत बंद की कमान संभाली और दिल्ली में वो पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ सड़क पर उतरे। भारत बंद को लेकर कांग्रेसियों ने अपना दम दिखाने की पुरजोर कोशिश की। देश के कई राज्यों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश में भी बंद का असर देखने को मिला। लखनऊ में राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कुशीनगर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने बैलगाड़ी चलाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं उन्नाव में कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन की अगुवाई में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर बैलगाड़ी यात्रा निकाली। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल और राजा रामपाल ने भारत बंद के दौरान केंद्र सरकार के विरोध में उतरकर आवाज बुलंद की। रायबरेली में भी बंद का असर देखने को मिला। वहीं चंदौली और मुरादाबाद में भी बंद के दौरान कांग्रेसियों ने घूम घूम कर दुकानें बंद कराई। हाथरस, गोरखपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक बंद का असर देखने को मिला। कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। मथुरा और वाराणसी में भी तेल की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां कांग्रेस ने भारत बंद करके विरोध जताया, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी तेल की बढ़ी कीमतों का पुरजोर विरोध किया। बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की शव यात्रा निकाली, तो लखनऊ, शाहजहांपुर और देवरिया में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं की एडीएम से झड़प भी हो गई। विरोध कार्यक्रम के दौरान इलाहाबाद में बीएसपी और कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के विरोध में एक साथ नजर आए। विरोधी दलों ने कीमतों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विरोधियों का कहना है कि तेल की बढ़ी हुई कीमतें सरकार के ताबूत में आखिरी कील हैं। 2019 में जनता मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।